ब्रॉट टू यू बाय प्रोबो। ऐसे ही हाँ और ना का गेम है प्रोबो, द पावर ऑफ यस एंड नो। द एक्टिविटी ऑन दिस प्लेटफॉर्म मे बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, पार्टिसिपेट रिस्पांसिबली। तो मेरे साथ मनु की मदर जो है मौजूद हैं और थोड़ी देर में उनके पिताजी भी आ जाएंगे और कुछ सवाल हैं उनसे आपसे पूछूंगी। वापस आ गई है बेटी, कितने खुश हैं आप? मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं वो तो आप लोगों को मेरे चेहरे पे दिख रहा होगा मैं कितनी खुश हूँ। और मुझे सबसे ज्यादा बड़ी खुशी इस चीज की है कि आज जो प्यार, एक जो ग्रैंड वेलकम जो मनु का हुआ, वो उम्मीद से ज्यादा था। कि उम्मीद थी कि होगा कुछ, इतना कुछ होगा मैंने पहली बार देखा है, तो काबिले तारीफ है। पूरा गांव उठ के आ गया, उसकी उम्मीद थी आपको? हाँ थी कि वो तो आएंगे, लेकिन आजू बाजू में भी इतने लोग आएंगे वो मुझे आइडिया नहीं था। इतना जो प्रेम मनु से करते हैं वो सब, तो उन सब का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी। और ये प्रेम और आशीर्वाद हमेशा आप लोग बनाए रखें। और बस आप जो खुशी है वो बाहर निकल पा रही है। जो यही चीज देखने मिली मैम कि यहाँ पे होटल ने स्पेशल आलू पराठे का अरेंजमेंट किया था। जी, जी, जी। और आप भी घर में जाकर, आपने मुझे एयरपोर्ट पे दिखाया कैसे डब्बे में आपने चूरमा लेके आई थी। अब हालांकि चूरमा उन्होंने शायद नहीं खाया है, लेकिन अरेंजमेंट्स हो चुकी हैं सारी। जी बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो मुझे लगता भी नहीं कि वो खाएंगी। पराठा खाया उन्होंने तो थोड़ा अभी होता, पराठा घी होता उसमें ज्यादा। तो ये होटल में जो मनु को स्पेशली जो पराठे से उसका स्वागत जो किया है वो तो काबिले तारीफ है। मतलब मजा ही आ गया। और मनु के साथ साथ हमें भी पराठा खाने को मिला आज, तो मैं बहुत खुश हूँ यहाँ का पराठा खा के। बहुत प्यार उसके अंदर झलक रहा था, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैम यहाँ पर बात करेंगे, आपने पराठे की भी बात की है किस तरह से सब कुछ हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जसपाल सर ने बोल दिया 3 महीने हैं मनु के पास, जो मनाए करे, क्योंकि ओलंपिक्स में वो सब प्रिपरेशन के दौरान ये सब अलाउड नहीं था। आप 3 महीने जो मर्जी आए मनु कर सकते हैं। एक लंबे उस पे जाएंगे मैम, एक मेरा प्लान है कि हम लोग एक पिकनिक पे जाएं चारों हम, और एक 15-20 दिन हम इंजॉय करके आए कहीं पे भी। कोई डेस्टिनेशन है? अभी तक डिसाइड किया नहीं है, तो अभी देखेंगे, पर जाएंगे हम, जरूर जाएंगे, चारों घूमने जाएंगे। अच्छा अच्छा। अब मनु की बात करेंगे, हमने सुना था कि गीता से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड थी मनु, और जब ओलंपिक्स आने वाले थे तब भी और अमूमन भी गीता काफी ज्यादा पढ़ती है, अपनी डायरी भी लिखती है। गीता को लेकर जो बात है वो थोड़ा बता दीजिए। गीता में हमारे जीवन का सार निहित है, जिसने गीता को पढ़ लिया तो समझो कि हमारा जीवन इसी जीवन में ही सफल हो गया है। उसमें हर वो चीज मौजूद है जिसकी हमें खोज होती है। तो गीता एक बार पढ़ने से नहीं आती, गीता को हम एक श्लोक जो गीता का है वो 5 बार पढ़ेंगे तब जाके हमारे दिमाग में बैठता है। तो ये चीजें हैं जो हमें जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत प्रेरित करते हैं। तो गीता से जुड़े रहें, और मेरा यही था कि जो हमारी संस्कृति कहीं खो गई थी तो उस मनु के माध्यम से वो वापिस आएगी, और हम लोग उसको बहुत फैलाएंगे अपनी संस्कृति को। तो वही है कि कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। तो जब टोक्यो में जब समय हमारा खराब रहा था तो बहुत ज्यादा बेटी इतनी टेंशन में थी, मैं तो एक्चुअली लेने भी नहीं गई थी एयरपोर्ट पे, कि बेटी मुझसे पूछेगी मम्मी मैंने 12-12 घंटे प्रैक्टिस करी है, मम्मी मेरी मेहनत का मुझे फल कब मिलेगा। तो मैं एक ही बात बोलती थी, बेटा देखो श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहा था कि तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, बेटा पक्का आएगा, देखना अगला जो समय हमारा वो बहुत अच्छा आएगा, मेहनत करते रहो। और जो एक जसपाल सर की जो कमी थी वो मिलने के बाद में तो फिर हम इतने खुश हो गए। पहले मुझे इतनी फिक्र रहती कि बेटी की कि बाहर जाएंगी, कोच है नहीं तो कैसे क्या होगा। फिर जसपाल सर के साथ जुड़ने के बाद में अब मुझे वो फिक्र नहीं होती है। जसपाल सर बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, मेरी तरह ख्याल रखते हैं जसपाल सर, खाने की छोटी मोटी चीजें, सुबह उठने से लेकर शाम तक पूरा मतलब ध्यान रखते हैं वो। हाँ बिल्कुल। और पेरिस ओलंपिक्स में आप और सर नहीं थे, मनु के पिताजी नहीं थे, लेकिन लॉस एंजलिस में जो 2028 में ओलंपिक्स है वहां पर आप लोग मौजूद रहेंगे मनु के लिए? जी पता है, शुद्ध शाकाहारी हम लोग, तो मनु को मुझे ना इंडिया में भी दिक्कत होती खाने में, तो फॉरेन में तो और ज्यादा दिक्कत होती है, तो वहां पे शुद्ध शाकाहारी खाना मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। मनु बहुत फिक्र करती है अपने परिवार की, तो फिर उसको ये रहेगा कि पता नहीं मम्मी को खाने को मिला कि नहीं मिला। तो ये जो चीजें होती है ना वो बच्चे के माइंड में, फिर माँ घूमेगी वहाँ शूटिंग की जगह, फिर मैं आऊंगी। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि मनु अच्छे से खेले, और बस मैं घर में रह के, और आगे का आगे देखी जाएगी कि क्या होगा। अभी तक तो यही है कि मैं ऐसा कुछ ना करूं कि जिससे मनु मेरे बारे में सोचे। अपना शूटिंग उसका एक नशा है, वो उसी में जुड़ी रहे, हम लोग साथ हैं उसके। और
एक आखिरी सवाल मनु भाकर जी। हाँ, मनु का नाम आपने रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखा था, क्योंकि जब रानी लक्ष्मीबाई का जो बचपन था उनको बचपन में सब मनु करके बुलाते थे, एम आई राइट? हाँ, मेरे जो कजन, मेरी कजन सिस्टर है सुनीता धायल है वो, और अमेरिका में रहती, उनका लड़का है अक्षय कुमार, उन्होंने रखा था। वो उस टाइम पे 11 साल के थे शायद, जब मैं पेपर देने गई हुई थी, जब मैं 5 घंटे 6 घंटे बाद वापस लौटी, तब अक्षय ने मुझे बताया कि मासी एक बात मान लो कि मेरी बच्चे छोटे होते हैं ना, मैंने कहा बेटा पक्का मानूंगी, तो मैं आज एक नाम रखूंगा मनु का, तो प्लीज आप उस नाम को चेंज ना करें। मैंने कहा बेटा बिल्कुल भी चेंज नहीं करूंगी। तो उसके बाद से जो अक्षय कुमार ने, जो मेरी कजन के जो बेटे ने नाम दिया था, वो आज सार्थक कर दिया। तब उन्होंने बताया कि मासी आप 6 घंटे से दूर थे अपने मतलब इस गुड़िया से, और ये बिल्कुल भी नहीं रोई, तो इसका नाम मैं आज से ना मनु रखूंगा। और उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी कि बदलना नहीं है, तो नहीं बदला मैंने। वो अक्षय कुमार जो मेरी बहन के बेटे, उन्होंने जो नाम दिया था वही मैंने रखा आज तक। जी जी हाँ, बिल्कुल, मनु का नाम आपने रानी लक्ष्मीबाई के नाम पे रखा था, और वही चीज करके दिखाया है मनु ने, इंडिया का नाम रोशन कर दिया है पेरिस ओलंपिक्स में। और आप बहुत ज्यादा बिजी लग रहे हैं। हमारे लिए तो ये देवी है, इन्होंने जो कुछ किया, इन्होंने सब कुछ काम तो इन्होंने ही किया। और यहाँ पर मैं पैदा थोड़ी कर पाती थी मनु को। मैंने सर, आप पेरिस ओलंपिक्स नहीं जा पाए थे, और लेकिन लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 के ओलंपिक्स में आप मौजूद रहेंगे? उमेश, मुश्किल है, क्योंकि मनु कह देती है पापा नहीं जाना तो नहीं जाना है, उसके 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 मूड, उसके मूड पे डिपेंड करती है। वो बोली हाँ तो हम चले जाएंगे, है हमारे पास यूएस वीजा तो है हमारे पास अभी भी, तो मनु कहेगी चलो पापा तो चलेंगे, वो बोलेगी नहीं जाना तो नहीं। अच्छा, लास्ट सवाल, मनु मनु हर जगह हो रहा, मनु पे अगर बायोपिक बनेगी तो कौन से एक्टर हैं जो आप चाहेंगे कि मनु का रोल प्ले करे? मनु के ऊपर अगर कोई मूवी बनती है, बायोपिक बनती है, तो कौन से एक्टर चाहेंगे कि एक्ट्रेस चाहेंगे जो मनु का किरदार अच्छी तौर पर निभा सकेंगे? देखिए, बहुत सारी एक्ट्रेस लड़कियां अच्छा काम कर रही हैं, बट मैं तो ये कहूंगा कि मनु खुद जो एक्टिंग करके रोल निभा सकती है वो कोई नहीं कर सकती। यदि थोड़ा बहुत उसके नजदीक में है तो मेकअप करने के बाद मनु की मम्मी कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे मनु के माता पिता, जो कि बहुत ज्यादा खुश हैं मनु के इस परफॉर्मेंस को लेकर। और जैसे कि कहा कि 3 महीना, जसपाल सर ने कहा है 3 महीना मनु के पास है, कुछ भी खा सकती हैं, और माता जी ने घर में इंतजाम किया हुआ है। इसके अलावा पेरिस ओलंपिक्स में नहीं थी, क्योंकि मनु नहीं चाहती है कि उनके पेरेंट्स जो है उनको देखे, टेंशन रहती है उनको, और एलए के लिए प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देंगे। और अब देखना होगा कि किस तरह से मनु का परफॉर्मेंस होता है। बायोपिक को लेकर भी माता पिता ने बात किया और कहा कि मनु के अलावा और कोई इस किरदार को बखूबी नहीं निभा सकता है मनु के अलावा। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स द कैप।